हाय एवरीवन। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि इस टाइप से गाइज फेस को गोरा कैसे करेंगे। देख सकते हो गाइज मेरा किस तरह से फेस गोरा हो चुका है एंड फेस भी स्मूथ हो चुका है। गाइज देख सकते हो बहुत ही अच्छा गोरा हो चुका है एंड एक ही टूल में हो जाएगा गाइज, वो भी लाइट रूम ऑपरेशन के अंदर। एंड गाइज साथ में बैकग्राउंड का भी कलर चेंज करना बताऊंगा। देख सकते हो गाइज किस तरह से मैंने चेंज किया है, तो वीडियो को लास्ट से देखिएगा, स्किप नहीं करना है आपको। एंड आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पर नए होंगे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज हम आ गए मोबाइल के होम स्क्रीन पे। तो जैसा कि हमारा ये फोटो था, तो इस फोटो को हमें गाइज एडिट करना है। तो सिंपली आपको यहाँ से शेयर करना होगा, अपने गैलरी से इस फोटो को शेयर कर लीजिएगा लाइट रूम एप्लीकेशन में। तो सिंपली हम शेयर कर लिए हैं लाइट रूम एप्लीकेशन में। एंड ऊपर से स्क्रॉल करना है आपको। एंड यहाँ से गाइज इम्पोर्ट फिनिश पे क्लिक कीजिएगा इस पे, तो डायरेक्ट लाइट रूम में ऐड हो जाएगा आप भी। तो लाइट रूम में आने के बाद ऑल फोटो पे क्लिक करना है एंड यहाँ से गाइज अपना फोटो सेलेक्ट कर लेना है जो भी हम शेयर किए थे। सो गाइज हमारा देख सकते हो गाइज मैंने फोटो सेलेक्ट कर लिया है। तो इस फोटो को आपको सेलेक्ट कर लेना है एंड उस तरह से आपको शेयर करके, एंड यहाँ से गाइज कलर का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो सिंपली आपको इसी टूल पर आपको आना होगा। एंड यहाँ से गाइज देख सकते हो जो टूल पे हम आए हैं, एंड ऊपर में मिक्स वाला ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। एंड गाइज यहाँ से आपको इस वाले कलर को सेलेक्ट करना होगा एंड इसके सेचुरेशन को हल्का सा माइनस करना होगा। हल्का सा नहीं करना होगा, आपको अपने फेस के अकॉर्डिंग कीजिएगा। ज़्यादा आपका फेस ब्लैक होगा तो हल्का बहुत ज़्यादा आपको सेचुरेशन को माइनस करना है एंड लेमनेस को फुल कर देना होगा गाइज। तो लेमनेस फुल कर दीजिएगा तो बहुत ही अच्छे से आपका फेस गोरा हो जाएगा। एंड रेड कलर का सेचुरेशन बढ़ा दीजिएगा एंड इसकी भी लेमनेस को बढ़ा दीजिएगा। तो देख सकते हो गाइज हम कम कर रहे हैं तो हमारा टी शर्ट हो जा रहा है, डार्क हो रहा है एंड वाइट हो जा रहा है, बढ़ा रहे हैं। तो एंड यहाँ से गाइज येलो कलर का सिचुएशन बढ़ा देना है एंड ह्यू को भी हल्का सा बढ़ा देना है। एंड इसकी ह्यू को इतना ही रखना है एंड लेमनेस को भी बढ़ा देना है। एंड इतना करने के बाद गाइस जो भी हमारा बैकग्राउंड में कलर है उस बैकग्राउंड को हम उस कलर को सेलेक्ट करेंगे। तो सिंपली हम ग्रीन कलर को सेलेक्ट करते हैं क्योंकि मेरा बैकग्राउंड में ग्रीन कलर है। सिंपली हम इसका सिचुएशन बढ़ा देंगे एंड ह्यू को माइनस कर देंगे। तो देख सकते हो गाइस ह्यू को माइनस कर देंगे तो कलर किस तरह से चेंज हो रहा है एंड प्लस कर देना है तो बहुत ही आसानी से ग्रीन हो जा रहा है। तो इस तरह से आप जो भी कलर रखना चाहते होंगे, यदि ग्रीन ही रखना चाहते होंगे तो ग्रीन ही रहने दीजिएगा एंड इस वाले कलर पे आकर के आपको टी शर्ट का कलर चेंज कर लेना है। तो इस तरह से सिचुएशन को बढ़ा करके ह्यू को माइनस कर दीजिएगा एंड इसकी भी सिचुएशन बढ़ा करके ह्यू को माइनस कर दीजिएगा। तो देख सकते हो गाइस मेरा टी शर्ट का भी कलर चेंज हो चुका है एंड फिर से गाइस आपको आना है ब्लू कलर पर एंड इसकी सिचुएशन बढ़ा करके ह्यू को माइनस कर देना है। इतना करने के बाद गाइस फिर से हमें आना होगा येलो कलर पर, इसकी सिचुएशन को गाइस ह्यू को माइनस कर देना है। तो देख सकते हो गाइस ह्यू को माइनस करते ही हमारा बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। देख रहे हो गाइस कलर ग्रेडिंग बहुत ही अच्छे से हो चुका है हमारा। तो इस तरह से हम गाइस ह्यू को 100 माइनस कर देंगे। तो इतना करने के बाद यहाँ से डन कर देंगे। डन करने के बाद गाइस यहाँ से आपको टेम्प को हल्का सा बढ़ा देना है। तो टेम्प को बढ़ाइएगा तो 4-5 के करीब रखिएगा तो बहुत ही अच्छा रियलिस्टिक लगने लगेगा। एंड यहाँ से गाइस इफेक्ट वाला टूल पे जा करके आपको बगल में दिख रहा होगा इफेक्ट वाला टूल, यहाँ से आपको क्लैरिटी बढ़ा देना होगा एंड नीचे की ओर आना होगा। यहाँ से आपको विग्नेट का ऑप्शन दीजिएगा, सिंपली आप विग्नेट को फुल कीजिएगा तो इस तरह से व्हाइट हो जाएंगे एंड माइनस कीजिएगा तो ब्लैक होंगे। एंड यहाँ से गाइस माइंड पॉइंट को भी 100 रख दीजिएगा, 100 प्लस रहने दीजिएगा। एंड यहाँ से बैक आइएगा, यहाँ से लाइट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से गाइस एक्सपोजर को बढ़ाइएगा तो इस तरह से आपका फेस भी गोरा हो जाएंगे एंड कंट्रास्ट को फुल कर देना है। तो गाइस देख सकते हो बहुत ही अच्छा क्लैरिटी आ चुका है हमारा फोटो में एंड फोटो बहुत ही ऑसम लग रहा है गाइस। तो यहाँ से हम हाईलाइट को भी बढ़ा देते हैं एंड थोड़ा सा ब्राइटनेस को कम कर देते हैं क्योंकि ज़्यादा फेस गोरा हो चुका था, ब्राइटनेस वगैरह आ गया था। तो यहाँ से गाइस शैडो को भी हम माइनस कर देंगे तो शैडो को फुल ही रहने देते हैं। तो गाइस शैडो को हम इतना रखेंगे -4 के आसपास, आप अपने फोटो के अकॉर्डिंग रखिएगा। तो गाइस यहाँ से हमको व्हाइट को हल्का सा बढ़ा देना है एंड यहाँ से गाइस ब्लैक को देख रहे हो गाइस किस तरह से हम ब्लैक बढ़ा रहे हैं एंड माइनस कर रहे हैं, तो किस तरह से हमारा चेंज हो रहा है कल। तो इस तरह से करने के बाद गाइस हमें यहाँ से आना होगा डिटेल्स वाला ऑप्शन पे। डिटेल वाला ऑप्शन पे आने के बाद शार्पनिंग को बढ़ाना होगा। शार्पनिंग को बढ़ा करके इस तरह से फेस जूम कर लीजिएगा, तो अभी मैं दिखा देता हूँ कैसे फेस स्मूथ होता है। तो यहाँ से आपको नॉइज रिडक्शन को ऑप्शन दिखेगा, सिंपली आपको उसे बढ़ाना है। तो देख सकते हो गाइस बहुत ही अच्छे से हमारा फेस स्मूथ हो रहा है। देख सकते हो गाइस ब्रश करना नहीं पड़ रहा है हमारा फेस पे। तो इस तरह से गाइस रेडिएशन को हल्का सा बढ़ा दीजिएगा तो बहुत ही अच्छे से आपका फेस स्मूथ हो जाएगा। एंड यहाँ से ऑप्टिक पे जा करके इन दोनों को अलाउ कर दीजिएगा तो बहुत ही अच्छे से आपका फोटो मैच हो जाएगा गाइस, बैकग्राउंड कलर ग्रेडिंग हो जाएगा गाइस। देख सकते हो गाइस बिफोर एंड आफ्टर इस टाइप का फोटो एडिटिंग हो गया है बनकर तैयार। तो इस तरह से गाइस फोटो एडिटिंग करेंगे गाइस लाइट रूम एप्लीकेशन में। सो गाइस यहाँ से हम क्लिक करेंगे इस फोटो को एंड यहाँ से गाइस सेव टू डिवाइस पे क्लिक करेंगे तो हमारा गैलरी में हो जाएगा सेव। सो गाइस उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।